हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं एचएसएससी क्लर्क परीक्षा की तैयारी कैसे करें। अभी लास्ट 6 डेज बचे हैं, तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमें लगानी चाहिए कि हम एग्जाम को क्रैक कर पाए या 75+ का टारगेट एटलीस्ट अचीव कर पाए। तो अभी जो आपने टाइटल में पढ़ लिया है, थंबनेल में जो आपने पढ़ा कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कैसी मुश्किल है, तो सारे बच्चे अभी यही समझ रहे हैं। और कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दिया है कि यार अब तो 5-6 दिन बचे हैं, अब क्या पढ़ना है। लेकिन नहीं, अभी आपके पास रियल टाइम है परफॉर्म करने का। मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटजी की मेन टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिसके थ्रू आप एचएसएससी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो बच्चे प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दिया है, वो पढ़ाई छोड़े ना भी तैयारी करें। इसके लिए मैं आपको आपके साथ कुछ लाइन शेयर करना चाहता हूं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये तो आपने सुना ही होगा ना। तो इसी से रिलेटेड एक और चीज है कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो भैया कोशिश करनी है तभी हो पाएगा। एचएसएससी क्लर्क परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे कि एचएससी क्लर्क एग्जाम को 90 में से 75+ कैसे एग्जाम में स्कोर किया जा सकता है। तो मैं रियल मायने में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको सारी की सारी स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। और ये लास्ट 10 मिनट्स मुझे दे दीजिए, आपका करियर चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। बट इसको अच्छे से आपको फॉलो करना है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे हैं, उन सब्जेक्ट्स में से क्या क्या पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा जीके की, क्योंकि वो उसमें से लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके अंदर मैं वो वाले टॉपिक्स आपको बताऊंगा जहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से। सबसे पहले देखिए हरियाणा जीके जो है उसके टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडिया जीके में से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स में से 2018-19 में से हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसके बाद में, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है। कई बच्चों को तो अभी तक सिलेबस का ही नहीं पता होगा, बस बुक्स उठा रखी और लगे हुए हैं। तो कैसे प्रैक्टिस सेट करना है, जिन बच्चों की प्रिपरेशन हो चुकी है प्रैक्टिस सेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने आपको कहा ध्यान से अगर सुनोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ध्यान से पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। हरियाणा जीके जो टॉपिक है वो भी हम जानेंगे। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कंप्यूटर और एनिमल हस्बेंड्री में क्या पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या है कि हरियाणा जीके के अगर हम टॉपिक्स की बात करें, सबसे पहले हम टॉपिक्स की बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने घंटे बचे हैं और उसमें कैसे आपको टाइम यूटिलाइज करना है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के टॉपिक्स की। तो हरियाणा में आपको पढ़ना है नदियां व कला नृत्य, इसके अलावा हरियाणा के मंत्रियों के नाम और हरियाणा के मंत्रियों के पास कौन कौन से विभाग है, ये आपको जरूर पढ़ना है, ओके। इसके अलावा हरियाणा में मिलने वाले पुरस्कार और राशि, किसको कितनी राशि दी जाती है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पक्का आता है यहां से, तो ध्यान से कर लीजिएगा इसको। हरियाणा से जुड़े खेल और खिलाड़ी और विशेष रूप से खिलाड़ियों से जुड़े खेल और उनकी संबंधित उपलब्धियां, इनको जरूर पढ़ लेना और वो कहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हरियाणा जीके के अंदर। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन से, हरियाणा की नदियां, कला नृत्य, ठीक है। इसके अलावा मंत्रियों के नाम, उनके पास कौन कौन से विभाग है, अच्छा हरियाणा में खेल में कितनी राशि दी जाती है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छा। इसके अलावा खिलाड़ी है वो कौन कौन से एरिया से रिलेटेड है, कौन सा खेल से कौन रिलेटेड है, अच्छा। इसके अलावा कौन से टॉपिक है, हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य, संचार पत्रिका एंड उद्योग, इसके अलावा मंत्री और राज्यपाल, हरियाणा के अब तक सबसे पहला कौन था, है ना, और सबसे लंबे टाइम तक कौन रहा था, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक ये इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लें। हरियाणा का इतिहास 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सॉरी। इसके अलावा हरियाणा में प्रशासनिक व्यवस्था, हरियाणा की जनसंख्या और जनसंख्या का घनत्व, हरियाणा के त्योहार, मेले, मस्जिद और मंदिर,
और महाभारत से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। तो ये रहेंगे हमारे हरियाणा के टॉपिक जो मैंने बताए। अब बात करते हैं रीजनिंग की, और इसमें भी मैं आपको एंडिंग में बताऊंगा कि कितने घंटे क्या पढ़ना, कैसे पढ़ेंगे और कितने टाइम में प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, तो आप लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। आपको पता है रीजनिंग में 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ज्यादा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लॉक कर लीजिए, कैलेंडर कर लीजिए, और इसके अलावा सीरीज और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और ये टॉपिक्स आप कुछ घंटे में ही सीख सकते हैं, आपको ज्यादा टाइम इसके ऊपर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ आपको। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 7 to 8 जो क्वेश्चन है वो आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आप कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पुराने क्वेश्चंस देख लीजिए, वर्क एंड टाइम एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश में तो ज्यादा कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको टॉपिक करना है आर्टिकल्स अच्छे से आना चाहिए, प्रेपोजिशन, और ये दो टॉपिक हर बार HSSC ने पूछे हैं, और लगभग ये मान के चलो कि 2 क्वेश्चन आर्टिकल्स के आते हैं और 2 ही क्वेश्चन लगभग प्रेपोजिशन के, और कई बार 1 क्वेश्चन इसका आ जाता है तो इसके 2 आ जाते हैं, इस टाइप से चलता रहता है, लेकिन ये दोनों टॉपिक एग्जाम में जरूर आते हैं। वो कैब सिर्फ आप प्रीवियस ईयर से कर लीजिए, वो कैब और एडियम्स प्रीवियस ईयर से कर लीजिए, और अगर आपको idioms करने हैं तो मैंने एक 51 most important idioms का सेट बनाया हुआ है, PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ले लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं 51 most important idioms बाय अजय शर्मा, आप ये सर्च कर लीजिए, आपको ये PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसमें से ही आपके idioms आ जाएंगे, ठीक है, इसमें से ही आपका कोई ना कोई idiom फंस जाएगा आपके एग्जाम में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्पेलिंग्स की, तो आप स्पेलिंग्स कर लीजिए मेन इंपॉर्टेंट, मैंने लगभग 250 के करीबन स्पेलिंग्स करवाई हुई है, उनको सिर्फ देख लीजिए, आपको सारी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, 250 प्लस स्पेलिंग्स मैंने करवाई हुई है, उसको डाउनलोड अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी वीडियोस भी अवेलेबल है, आप सिर्फ सर्च करिए स्पेलिंग मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग्स बाय अजय शर्मा, आप मेरा नाम लिख लीजिए अजय शर्मा, ये आप सर्च करना है स्पेलिंग्स बाय अजय शर्मा, तो आपको ये लेसन मिल जाएंगे। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भी आपको करने हैं, वो भी आपको सर्च करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बाय अजय शर्मा, ये टॉपिक सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, आपको सिर्फ नाम सर्च करना है और ये आपको टॉपिक सारे के सारे मिल जाएंगे। तो अब इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो मैं आपको एंडिंग में सारा समझाऊंगा, ज्यादा देर का काम नहीं है। अगर आप ये 250 स्पेलिंग्स की PDF डाउनलोड कर लें या सिर्फ देख लें, एक बार इन स्पेलिंग्स को देख लें, तो मैंने उसके अंदर HSSC ने जो लास्ट ईयर पूछी हुई है और जो ज्यादातर पूछते हैं वो वाले क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो आपको ज्यादा टाइम करने में नहीं लगेगा क्वेश्चंस। और डेली हमारी लाइव क्लास भी होती है, जब तक 6 दिन बचे हुए हैं डेली हमारी 1 to 2 घंटे की क्लास होती है, सारे टॉपिक्स उसके अंदर इंपॉर्टेंट वाले और इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया जीके की, तो इंडिया जीके में आप रिवर्स पढ़ लें, पॉलिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करें करंट अफेयर्स जिसके 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंडिया जीके जो 15 to 20 मार्क्स का होता है वो आप इस तरीके से करें, पॉलिटी पढ़ें, ज्यादा मत पढ़ें और हिस्ट्री वगैरह ज्यादा ना पढ़ें, सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लें, ज्योग्राफी के सिर्फ MCQs प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी में सिर्फ 8 टॉपिक पढ़ें, ज्यादा मत पढ़ें आप, अलंकार, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, और सर्वनाम और क्रिया, शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध और मुहावरे, बस ये वाले टॉपिक करें, 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन के जो हैं यहां से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते जाएं। अब जैसे शेड्यूल की बात करूंगा मैं, कितने घंटे क्या पढ़ना है, कितना घंटा सोना है, सिर्फ 6 दिन मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल लो आप, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एग्जाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो अब आपको ये पता लग गया कि कौन से में से क्या पढ़ना है, ठीक है, अब इसमें रहेगा कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी, कंप्यूटर के आते हैं 10 क्वेश्चंस, तो 8 to 10 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं, और कल सुबह एक वीडियो आएगी आपके पास जिसके अंदर 120 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस MCQs होंगे कंप्यूटर के, सिर्फ वो वाले कर लें, ज्यादा आपको कंप्यूटर को टाइम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और 1 घंटे में आपका कंप्यूटर प्रिपेयर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चलना है। अब बात करते हैं शेड्यूल की, तो आप ये मत देखिए कि मेरे पास सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं,
अब कई बच्चों के पास तो 7 दिन भी है, 8 दिन भी है ना, जिनका एग्जाम फर्स्ट डे है मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया। मान लीजिए आपका एग्जाम है 21 को, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया। तो ये मानिए कि आपके पास होते हैं 24 घंटे, 24 आवर्स, 24 आवर्स इंटू 6 करिए कितना आ गया, 144 आवर्स, 144 घंटे आपके पास है। आप ये मत देखिए कि मेरे पास 6 दिन है, तो अगर 144 घंटे को अगर हम सही तरीके से डिवाइड कर दें तो क्या हम HSSC को क्रैक नहीं कर सकते? क्या ऐसी कोई चीज है अगर हम नियत से और दिल से करें तो वो पॉसिबल नहीं है? है भाई, सब 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 कुछ पॉसिबल है। अगर अपना जी जान और दम लगा दो ना, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकती, भगवान भी नहीं, भगवान भी आपका साथ देगा, कितनी मेहनत कर रहा है लड़का। तो देखिए कैसे करेंगे हम, मान लेते हैं कि आप लगातार, अगर हम बात करें वैसे तो 6 घंटे ही सोना चाहिए, तो आपको 6 घंटे ही सोना, ज्यादा नहीं सोना। तो 6 घंटे के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें 6 दिन का, तो कितना बनता है, 36 घंटे। लेकिन मैंने फिर भी दिया कि चलो एक घंटे में, एक दिन के अंदर आपने 10 घंटे, 6 घंटे सो लिए और 4 घंटे आपके एक्स्ट्रा निकाल लिए, जिसमें नहाना धाना खाना पीना सोना सब कुछ आ गया। तो अगर हम बात करें 6 दिन की और 10 घंटे आप लगाते हैं, 6 घंटे मैंने सोने के निकाल दिए, 4 घंटे मैंने एक्स्ट्रा दिए वेस्ट करने के लिए, जिसमें आप व्हाट्सएप फेसबुक जो मर्जी करना चलाओ, तो भी कितने घंटे हुए, 60 आवर्स। तो आपके बने हैं 60 आवर्स। ध्यान से समझिएगा बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखो, तभी आपको प्लानिंग समझ में आएगी, इस स्ट्रेटेजी को तभी आप फॉलो कर पाओगे। तो 60 घंटे आपको मिले। अब 60 घंटे आपने जो भी करना था कर लिया, अब 144 में से 60 घंटे निकाले, कितने बचे हमारे पास, 84 आवर्स। यानी कि रियल मायने में हम मान लेते हैं कि हमारे पास बचे 84 घंटे, कितने बचे हैं, 84 आवर्स। अब इसको कैसे आपको डिवाइड करना है, 84 आवर्स बचे हैं, तो सबसे पहले जो चीज है, अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है तो आप मार्केट से एक प्रैक्टिस सेट ले आएं, जिसके अंदर पहले क्वेश्चंस दे रखे हो और एंडिंग में आंसर्स हो। तो आपको क्या करना है, बिना आंसर्स देखे अपना टाइम सेट करना है 1 घंटे का और पूरा पेपर करना है। अब देखो आपका कितना स्कोर बन रहा है और कौन कौन से सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ऐसा करने में लगातार अगर आप रोज एक सेट करते हैं, क्योंकि अभी तक आपने एक भी नहीं किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक भी सेट प्रैक्टिस नहीं किया रियल मायने में, और जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने किया है उनकी तो बहुत ही अच्छी बात है, और क्या हो सकती है इससे अच्छी बात। तो देखिए 6 दिन है, तो हम मान लेते हैं 1 घंटे आपने प्रैक्टिस किया और 1 घंटे एनालाइज किया, तो 2 घंटे लगे, मतलब आपके लगे टोटल कितने, 12 घंटे। अब 84 घंटे हमारे पास थे, उसमें से मैंने 12 घंटे निकाल लिए, हमारे पास कितने बच गए, 72 घंटे पढ़ने के लिए बच गए, 12 घंटे हमने निकाल दिए प्रैक्टिस करने में, प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सेट्स, ओके। अब इस 72 घंटे को आप डिवाइड करके देखो जरा, हमने बात की थी हिंदी की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं हिंदी। तो हिंदी क्या जो टॉपिक्स है ना, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स, अगर मैं सही मायने में बताऊं तो 3 से 4 3 घंटे के अंदर आप सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी सारे काम धंधे छोड़ दो 5-6 दिन के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये टाइम सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, ठीक है। 3 घंटे आपने दे दिए, ऐसे ही इंग्लिश को भी आप 3 घंटे में प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, बीच में छोटा मोटा ब्रेक चलेगा, 3 घंटे में आप पूरी की पूरी इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हो। जो मैंने टॉपिक्स बताए सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर रियल में नियत से बैठ के करोगे, फोन बंद करके अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर के लिए मैंने कहा था कि आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे, आप वो 120 क्वेश्चन कर लीजिए, 1 घंटे का टाइम वहां लगेगा। अभी तक आपने 6, 3 और 3, 6 और 1, 7 घंटे, फिर भी मान लेते हैं कि आपको 10 घंटे लग गए, कितने लग गए, 10 घंटे में आपने ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिया। अब हमारे पास बचते हैं 62 आवर्स, कितने, 62 आवर्स। तो 62 आवर्स को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, देखिए अब जितना भी टाइम बचेगा बाकी सब्जेक्ट्स करने के बाद में, जैसे कि आपने अब जीके के जो मैंने टॉपिक्स बताए थे ना पीछे, आपको जीके के टॉपिक्स बताए थे, वो जीके के टॉपिक्स आप कर सकते हैं, और मैथ्स और रीजनिंग, हमारे 2 मैथ्स और रीजनिंग और रह गए। देखो छोटी छोटी चीजों हैं, इनको अवॉइड नहीं कर सकते। हरियाणा जीके तो लगभग सभी बच्चों का अच्छा है आजकल, ये मत सोचना कि मेरे को हरियाणा जीके आता है, सबको आता है हरियाणा जीके। तो कॉम्पिटिशन हर सब्जेक्ट के अंदर आपको करना पड़ेगा परफॉर्म, तभी जाके बात बनेगी। तो अगर हम उन टॉपिक्स की बात करें तो नेक्स्ट डे आपने क्या कर लिया, सेम डे भी नाइट में कर सकते हो आप, आपने लगभग 2 से 3 घंटे पढ़ लिया रीजनिंग, और रीजनिंग के दोनों तीनों टॉपिक हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक टॉपिक अगर 1 घंटे में प्रिपेयर करते हो तो लगभग आपके 3 से 4 टॉपिक मैंने आपको बताए 3 घंटे में रीजनिंग प्रिपेयर है, ऐसे ही 4 से 5 घंटे लगा लो आप, मैथ्स प्रिपेयर हो गया आपका,
जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आया उसी टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा अब 10 घंटे निकालने के बाद हमारे पास बचे 62 और 62 में से मैं निकाल देता हूँ 8 घंटे और, 8 घंटे और निकाल दे तो हमारे पास कितनी बच गए, लगभग 54 है ना, तो लगभग 54 घंटे हमारे पास और बच गए। अब इस 54 आवर्स का आप क्या करोगे, इंडिया जीके पढ़ना है और हरियाणा जीके, और टॉपिक कितने हैं वो मैंने आपको बताई थी, उन्हीं टॉपिक्स में से आप पढ़ाई करो ठीक है, और जो रिपीटेडली आई हुई चीजें हैं उनको पढ़ो, जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए ना ये वाले टॉपिक्स, अब आप इन टॉपिक्स की तरफ जाओ जो मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से, ये वाले हरियाणा जीके और ये। तो अब आपके पास देखो कितना टाइम बच गया है क्या करने के लिए, सिर्फ जीके करने के लिए कितने 54 आवर्स। चलो मैं मान लेता हूं कि आपने और कहीं टाइम वेस्ट कर दिया, आपके पास 50 घंटे तो खड़े पड़े हैं, 50 घंटे आपको बैठ के जीके ही तो पढ़ना है, लेकिन डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज का टाइम फिक्स कर लेना। कैसे, कि मैं खाना तभी खाऊंगा जब मैंने प्रैक्टिस सेट कर लिया होगा, अदरवाइज मैं खाना भी नहीं खाने वाला, वो वाला जुनून जब तक नहीं आएगा ना तब तक बात बनेगी नहीं ठीक है। तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैंने बड़े दिल से बनाई है, शेयर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा और वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सअप करें जहां तक पॉसिबल हो, व्हाट्सअप के थ्रू आप वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट, जितने बच्चों ने वीडियो को देखा है वो सही तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करें और मेरी दुआएं आपके साथ है, भगवान करे आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और ध्यान रखिएगा कोशिश करने वालों की कभी, यस बिल्कुल सही कहा, हार नहीं होती। थैंक यू सो मच।